कैटरीना कैफ ने अपना ज्यादातर वक्त लंदन में गुजारा, जहां उन्होंने मॉडलिंग करनी शुरू की। वो कई हिट फिल्मों का हिस्सा रह चुकी हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में कैटरीना ने करीब 15 साल बिता दिए, लेकिन उन्हें आज तक ठीक से हिंदी बोलनी नहीं आती। 2006 में मिस श्रीलंका यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस कोलंबो में पली बड़ी हैं। उन्होंने 2009 में फिल्म अलादीन से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। सनी लियोनी के माता पिता यूं तो हिंदुस्तानी थे, लेकिन सनी का जन्म कनाडा में हुआ और उनकी परवरिश अमेरिका में। बॉलीवुड में आने से पहले सनी एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में काम किया करती थी। अमेरिकन मॉडल नरगिस फाखरी ने रणबीर कपूर के अपोजिट सुपरहिट फिल्म रॉक स्टार से 2011 में बॉलीवुड डेब्यू किया था। वो कई बॉलीवुड फिल्मों का हिस्सा रह चुकी हैं। मॉडल और एक्ट्रेस लिस्सा हेडेन का जन्म यूं तो हिंदुस्तान में हुआ, लेकिन उनकी परवरिश ऑस्ट्रेलिया में हुई और यही वजह है जो लिस्सा को ठीक से हिंदी बोलने नहीं आती। 2010 में उन्होंने फिल्म आयशा से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था।